कीजिए, बंदे लखन एक्सप्रेस चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लगातार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमीरपुर जनपद के राट कोतवाली इलाके में भाई की मौत के बाद युवक ने विधवा भाभी को पत्नी की तरह 8 वर्ष तक अपने घर में रखकर शारीरिक संबंध बनाए। अब दूसरी शादी करने के लिए उसे ठुकरा दिया। अपने मासूम बच्चों को लेकर कोतवाली पहुंची पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पर बताया गया कि सन 2007 में उसका विवाह जरिया थाने के पहरा गांव निवासी बालेंद्र पुत्र शिवराम के साथ हुआ था। शादी के 3 वर्ष बाद उसके पति ने किसी कारण से जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उस वक्त ग्रामीणों व रिश्तेदारों ने उसे शिवराम यादव के छोटे पुत्र रमेश के साथ रख दिया था। तभी से रमेश उसे अपने साथ पत्नी की तरह रखकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसकी 1 7 वर्षीय पुत्री व 9 वर्षीय पुत्र है। आरोप लगाया कि 8 वर्ष तक पत्नी की तरह साथ रखने के बाद अब रमेश उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है और वह दूसरी शादी रचाने की तैयारी भी कर रहा है। देवर द्वारा ठुकराए जाने पर अपने मासूम बच्चों सहित दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। पीड़िता ने थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। 2007 में मेरी शादी हुई थी। कहाँ पे? पहरा। अच्छा। शिवराम यादव के यहाँ उसके पुत्र बालन के साथ, बीच वाली लड़के के साथ। इसके बाद 2-3 साल बाद मेरे पति खत्म हो गए। मेरी लड़की हो गई थी और लड़का मेरा पेट में था 6 महीने। फिर इसके बाद लड़का हो गया, बोले लड़का हो जाएगा फिर रख लेंगे। और मतलब इनने सबने कहा, गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने कहा, मेरी माँ की थी हर चीज़ सब कोई था, फिर कहा रख लेंगे। और इसके बाद अब बहुत अच्छी संबंध बना के रखती उसमें कुछ दिन तक, बच्चों की देखभाल मेरी हर चीज़। लेकिन कुछ दिन बाद अब बहुत मतलब नहीं रखता, ना बच्चों से ना मुझसे मतलब कोई मतलब नहीं, और दूर दूर रहता है और ना कोई देखभाल करता है, और बस कह रहे हम शादी कर लेंगे। तो क्या उन्होंने आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं? और क्या। अच्छा, तो आप क्या बोल रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं रमेश आपको? रमेश कह रहे नहीं रखेंगे, अगर वो नहीं करेंगे निर्णय नहीं होगा फाइनल, तो मैं आत्महत्या अपने बच्चों को अपने करके मर जाऊंगी। तो आप अभी कहाँ पे आई हैं?